100 डेज डाइट प्लान के डे 35 में हमने देखा अर्ली मॉर्निंग लेमन वाटर, ब्रेकफास्ट में एक बोल सत्तू मिल्क और गुड़, मॉर्निंग मिड मील में एक बोल वाटरमेलन, लंच में वेजिटेरियंस के लिए ज्वारी रोटी और तड़का लगी दही वाली मूंग दाल के साथ स्प्राउटेड सैलेड, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ज्वारी रोटी के साथ दही वाला चिकन और स्प्राउटेड सैलेड, इवनिंग मिड मील में एप्पल बनाना मिल्क और दही की स्मूदी, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन राइस डोसा के साथ सांभर विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल फिलिंग्स, नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्राउन राइस डोसा विद एग भुर्जी फिलिंग, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध। कल के एपिसोड में हमने पूछा था एक सवाल, और सवाल था क्या है बीट रूट की असलियत, ये ब्लड के लिए सुपर हेल्दी है या किडनी की हेल्थ का दुश्मन है। हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू आपका अपना शो जिसका नाम है 100 डेज डाइट प्लान, और आज है हमारा डे 36। आज एक महीने से ज्यादा हो चुका है और व्यूवर्स के इतने कॉल आ रहे हैं कि उससे हमें पता चलता है कि आप लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे डाइट प्लान में। सो जैसे कि मैंने कहा, आज का है डे 36 विच विल फिक्स एवरी प्रॉब्लम इन योर लाइफ जो कि डाइट से रिलेटेड है। एक व्यूवर का हमें फोन आया एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दैट यू नो मूवमेंट विथ यू ऑल। एक्चुअली पता है सोनाक्षी जी ने हमें कॉल किया ओडिशा से, और उन्होंने हमसे कहा कि शी इज़ वेरी हैप्पी विथ अ डाइट प्लान, और उन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी की। एक्चुअली क्या है ना, मैं और हमारा पूरा 100 डेज डाइट प्लान हमेशा ये चाहता है कि आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आपको दें जो भी डाइट से हेल्थ से रिलेटेड है। सोनाक्षी जी का ये कहना था कि डाइट प्लान्स में हर एक मील के साथ में अगर उन्हें ड्रिंक्स के बारे में भी बताया जाए तो वाह मजा आ जाए। तो आइए चलिए आज उसी बारे में हम बात करेंगे, बताइए किससे। आर यू गाइस रेडी, बिकॉज इट्स डे 36 का डाइट प्लान। 1 2 3 एक साथ बुलाते हैं मिकिता। How are you, Mikita? I'm fine. How are you? You're looking absolutely fresh and beautiful. Thank you. So, Mikita, आज है हमारा day 36 का diet plan, और आज like एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, हमारे सारे viewers already ये चीज़ें follow कर रहे हैं, तो आज हम waste ना करते हुए हमारा time हम शुरू करेंगे diet plan का, और आज है सबसे पहले breakfast time. जैसे कि हमेशा बोलती हूँ, breakfast के पहले एक glass गर्म पानी तो बनता है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के पहले गर्म पानी, उसके बाद हम आज ब्रेकफास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जैसे कि स्टार्ट करेंगे ग्रीन टी से। ग्रीन टी जैसे आपको सबको पता ही है कि उसके बहुत सारे फायदे हैं, तो ग्रीन टी हमें लेना है सुबह सुबह। उसके साथ ब्रेकफास्ट में होगा सोया उत्तपम। सोया उत्तपम जैसे कि हम नॉर्मल उत्तपम बनाते हैं वैसे ही बनाना है, जस्ट इंस्टेड ऑफ राइस हम सोया लेंगे। ये तो है वेजिटेरियंस के लिए। लेकिन इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे, फिलिंग के अंदर थोड़ा सा पनीर पोर्शन रहेगा और बहुत सारा वेजिटेबल रहेगा। इसके साथ साथ अभी हम नॉन वेजिटेरियंस के लिए सोया उत्तपम के अंदर एग भुर्जी बना के डालेंगे। That's nice. ये तो एक डिफरेंट सी डिश हो गई है। That's amazing. तो इसका डिटेल आप हमें बताएंगे कि नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस के लिए ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज इसकी कैसे बढ़ेगी। या डेफिनेटली, जैसे कि सोया में बहुत सारा प्रोटीन होता है ये तो आपको पता ही है, और जैसे हम वेजिटेरियंस में पनीर डालेंगे और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग भुर्जी डालेंगे तो उसका प्रोटीन कंटेंट और भी बढ़िया हो जाएगा। और उसके साथ हमें वेजिटेबल्स भी डालने हैं। वेजिटेबल्स में आप डाल सकते हो जैसे कि कैप्सिकम है, टमेटोज है, कैबेज है। इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिस्पी सा बनेगा और बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। दैट्स नाइस। यू नो व्हाट, अगर आपको ये डाइट प्लान फॉलो करना है, अगर कोई डाइट प्लान आपसे छूट चुका है, डजंट मैटर एट ऑल, आप लोगों को सिर्फ एक चीज करनी है और वो है आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है, और कॉल करके हम है ना आपके लिए सारे डाइट प्लान्स की इन डिटेल नॉलेज, इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन हम यानी 100 डेज डाइट प्लान आपको देगा। एंड नाउ द टाइम हैज कम फॉर द मिड मील, तो आइए चलिए दोबारा चलते हैं मिकिता के पास और जानते हैं मिड मील में क्या है। मिड मील में आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खाने वाले हैं जो कि मतलब कैक्टस फैमिली से आता है। डेफिनेटली यू हैव गेस्ट इट राइट, इट्स अ पाइनएप्पल। आज हम मिड मील में पाइनएप्पल खाने वाले हैं। हम अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल के खा सकते हैं। पाइनएप्पल बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और इसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर होता है जिससे हमारा डिजेशन बहुत ही इम्प्रूव होता है। पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम आता है ब्रोमेलिन करके, वो हमारे
बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत ही मदद करता है. तो जिसको आर्थराइटिक पेन है, जॉइंट पेन है, तो उनके लिए पाइनएप्पल इज अ रियली गुड ऑप्शन. दैट्स अमेजिंग. पाइनएप्पल के बारे में इतना सारा नॉलेज तो मेरे ख्याल से जनरली लोगों को होता भी नहीं है. थैंक यू सो मच मकिता फॉर इट. एंड नाउ द टाइम हैज कम फॉर द लंच टाइम. लंच सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है ना. Definitely. तो प्लीज कभी भी इसे स्किप ना करें. और अब चलिए जानते हैं कि लंच में मकिता हमें आज क्या देने वाली है. लंच हम आज थोड़ा सा लाइट रखेंगे, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग रखेंगे. डेफिनेटली आई एम 100% श्योर फॉर इट. ठीक है, तो लंच में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीग्रेन रोटी से. वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए सेम जाएगा मल्टीग्रेन रोटी. और इसके साथ वेजिटेरियंस के लिए है गवार की सब्जी. अगर किसी को गवार की सब्जी नहीं पसंद है तो उसके फायदे आप सुन लीजिए, तो फिर आपको भी पसंद आने लग जाएगी. उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारे डिजेशन को इम्प्रूव करता है, हमें गैशियस इश्यूज से बचाता है. इसको हम जब भी बनाते हैं तब आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर अजवाइन का यूज़ करें. अजवाइन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करती है. तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है गवार का और अजवाइन का. इसके साथ साथ हम एक ग्लास बटर मिल्क पियेंगे. दैट्स नाइस. सो ये तो एक पक्का वेजिटेरियन के लिए एकदम क्या कहते हैं हरियाली से भरा हुआ हमारा लंच हो गया. बट व्हाट अबाउट नॉन वेजिटेरियंस? नॉन वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन रोटी के साथ हम खाएंगे ग्रेवी वाला चिकन. और उसके साथ हम बटर मिल्क नहीं लेंगे क्योंकि उनका प्रोटीन पोर्शन कवर हो जाता है. अच्छा, मतलब कभी कभी बातों ही बातों में कितना नॉलेज मिल जाता है. नहीं और वक्त आ गया इवनिंग मिड मील का इतने जल्दी. वाओ. सो इवनिंग मिड मील में मिकिता आज क्या है? इवनिंग मिड मील में आज हम खाएंगे कुछ बहुत ही अच्छा प्रोटीन वाला. तो आज हम खाने वाले हैं फ्रूट्स एंड नट योगर्ट. फ्रूट्स एंड नट्स एंड मतलब सारी चीजें एक साथ. वाओ, इतना सारा हमें हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है. या इट इज वेरी न्यूट्रिशनली पैक. तो हम फ्रूट आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है. पर आधा फ्रूट से ज्यादा मत लीजिएगा क्योंकि सुबह हमने ऑलरेडी फ्रूट खाया है. तो इसीलिए आधा कोई भी आपको जो फ्रूट पसंद हो वो आप ले सकते हो. जैसे कि आप एप्पल ले सकते हो या फिर ऑरेंज ले सकते हो या फिर पेयर ले सकते हो. और उसके साथ हम डालेंगे थोड़े 2-3 पीसेस ऑफ एलमंड्स एंड 1-2 पीसेस ऑफ वॉलनट्स. जैसे कि एकदम बहुत ही अच्छा चिल्ड सा योगर्ट आप खाओगे तो आपको बहुत सा फीलिंग भी हो जाएगा और न्यूट्रिशनली आपको बहुत ही फायदा करेगा. योगर्ट में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है क्योंकि वो बनता है मिल्क से. ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छा कैल्शियम भी होता है. जब योगर्ट बनता है उसके अंदर एक अलग टाइप के बैक्टीरिया बनते हैं जिसकी वजह से वो जम जाता है. तो वो बैक्टीरिया हमारे गट के लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं, जो हमारे विलाई को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं. तो ये बात तो हो गई योगर्ट की. उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है एलमंड्स एंड वॉलनट्स, एलमंड्स हमारे हार्ट हेल्दी होते हैं और वॉलनट्स हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं जिससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, हेयर का टेक्सचर अच्छा होता है और हमें बहुत सारा प्रोटीन भी मिलता है वॉलनट से. इसके अलावा जो मैंने आपको फ्रूट्स बताए, फ्रूट्स के तो बहुत सारे फायदे होते ही है. एब्सोल्युटली. ओह, मुझे थैंक यू कह रहे हो. थैंक यू. यू आर वेलकम. एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहती हूँ हमारे सारे न्यूट्रिशनिस्ट की ओर से, ताकि आप लोगों को पता रहे जो आप खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं. वरना क्या होता है, कभी कभी हम कहते हैं ना ब्लाइंडली हम फॉलो करते हैं. जब हम कोई चीज़ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते तो खाने पीने की चीज़ें क्यों. इन डिटेल 100 डेज डाइट प्लान आपको डाइट प्लान के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता है कि खाने का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में. खाने का तो है ही इंपॉर्टेंस, लेकिन किस इंग्रेडिएंट का क्या है. इन डिटेल इफ यू वांट टू नो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर विच इज मेंशन बिलो हियर. आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर ओनली इन 100 डेज डाइट प्लान. और अब बारी आती है डिनर की. लेकिन डिनर से पहले आपको याद है कल यानी कि डे 35 के डाइट प्लान में मैंने यानी स्नेहल ने आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा था. एक्चुअली जब हेल्थ की बात आती है तो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी बात झट से हमारे जहन में आ जाती है, जैसे कि बीटरूट. बीटरूट एक ऐसा वेजिटेबल है जिसके बारे में हमेशा जब भी हेल्थ की बात होगी होगी होगी, बिकॉज हीमोग्लोबिन या खून बढ़ाना है या ताकत के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार सैलड होना चाहिए. सैलड की बात निकली तो बीटरूट, जूस की बात निकली तो बीटरूट. आई मीन बीटरूट तो हर बार हम लोग हमारे जिक्र में लाते हैं कि हेल्थ है तो बीटरूट है ही है. लेकिन यही बीटरूट अगर हम एक्सेस में खाए तो किडनी भी डैमेज हो सकती है. किडनी डैमेज हो सकती है? I don't know. मुझे कैसे बता रहेगा. बट चलिए जानते हैं मिकिता से कि बीटरूट एक्सेस में खाने से क्या वाकई में किडनी पे इफेक्ट हो सकता है. हाँ,
Hey, it's a dinner time. उसके बाद में हम आपको बताएंगे ये हमारा बीटरूट वाला राज. तो आइए चलिए फिर से चलते हैं मिकिता के पास और जानते हैं कि डे 36 के डाइट प्लान में डिनर टाइम में हमें मिकिता क्या देने वाली है. डेफिनेटली आज डिनर में बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ओके डिनर में आज हम स्टार्ट करेंगे सैलेड से. तो सैलेड के अंदर आप डाल सकते हो थोड़ा सा लेट्यूस लीव्स, थोड़ा सा कैबेज और ब्रोकली. आज हम थोड़ा लीफ बेस्ड सैलेड बनाने वाले हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर भी जाएगा और थोड़ा सा जीरा या क्यूमिन सीड जिसे हम कहते हैं वो डालेंगे ताकि उसे हमारा डाइजेशन में कोई इश्यू ना आए. और इसके साथ वेजिटेरियंस के लिए है. हाँ, क्या है वेजिटेरियंस के लिए आज हम लेने वाले हैं मिज़ो टोफू. मिज़ो टोफू, ये टोफू तो आपको पता ही होगा वो सोयाबीन से बनता है, वो सोयाबीन का पनीर होता है. तो मार्केट में बहुत सारे टाइप ऑफ टोफू अवेलेबल है. इसको हम मिक्स करेंगे मिज़ो के साथ. मिज़ो एक सॉस होता है जो सोयाबीन से बनता है. बट क्या ये नॉर्मली ग्रोसरी स्टोर्स में हमें मिल जाएगा? या डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा. तो इसे हमें इसके अंदर मिज़ो सॉस के अंदर टोफू को हमें टॉस करना है और उसके साथ हम सैलेड खाएंगे. यस मैम. और नॉन वेजिटेरियंस के लिए? नॉन वेजिटेरियंस के लिए सेम डिश है पर उसको हम टोफू के बदले चिकन से रिप्लेस करेंगे. मतलब सोया जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किया है उसके बदले हम चिकन इसमें डालेंगे. यस डेफिनेटली. चिकन, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ हमेशा कि चिकन के अंदर जो स्किन रहती है, चिकन की स्किन, वो निकाले और फिर बाद में चिकन को यूज करें क्योंकि चिकन की स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट पाया जाता है तो हम उस फैट को आराम से अवॉइड कर सकते हैं. That's amazing, isn't it? सारी की सारी न्यूट्रिशनिस्ट जो यहाँ पर आती है हमारे इस 100 डेज डाइट प्लान में हमेशा डाइट के साथ में छोटी छोटी जो टिप्स दे देती है वो कितनी फायदेमंद होती है ना. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप सभी को और मुझे भी छोटी छोटी टिप्स मिल जाती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है हमारी ज़िंदगी में. ऐसे ही फायदे अगर आपको आपकी ज़िंदगी में करने हैं जो करने चाहिए बिकॉज इट्स नथिंग बट अबाउट योर लाइफ, प्लीज़ कॉल ऑन दिस नंबर ताकि हम लोग यानी 100 डेज डाइट प्लान आपको आपकी ज़िंदगी के फायदे दिखा सके, बता सके, समझा सके कि डाइट प्लान कितना ज़रूरी है. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट यू हैव टू डायल अ नंबर एंड यू हैव टू कॉल अस, है ना. तो चलिए दोबारा चलते हैं मिकिता के पास. उससे पहले हो जाए झटपट रिकैप. आज 100 डेज डाइट प्लान के डे 36 में मिकिता ने बताया अर्ली मॉर्निंग न्यू पॉम वाटर, ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए ग्रीन टी और सोया उत्तपम विद पनीर एंड वेजिटेबल फिलिंग, नॉन वेजिटेरियंस के लिए सोया उत्तपम विद एग भुर्जी, मॉर्निंग मिड मील में 2-3 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल, लंच में वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन रोटी, गवार की सब्जी और साथ में एक ग्लास छाछ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए मल्टीग्रेन रोटी और ग्रेवी चिकन, इवनिंग मिड मील में फ्रूट्स एंड नट्स योगर्ट, डिनर में वेजिटेरियंस के लिए लेट्यूस ब्रोकली कैबेज विनेगर और जीरा सैलेड मिसो टोफू, नॉन वेजिटेरियंस के लिए लेट्यूस ब्रोकली कैबेज विनेगर और खीरा के सैलेड के साथ मिसो चिकन. अब रहा जवाब डे 35 के सवाल का, क्या है बीटरूट की असलियत? ये ब्लड के लिए सुपर हेल्दी है या किडनी की हेल्थ का दुश्मन है? बीटरूट एक रूट वेजिटेबल है जो अंडरग्राउंड ग्रो होता है और इसके अंदर बहुत ही सारे विटामिन्स मिनरल्स है. इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है डेफिनेटली, ठीक है. तो बीट रूट के अंदर बहुत सारा आयरन होता है, एज यू हैव राइटली सेड बिफोर कि जब भी आयरन की बात आती है तो बीट रूट को कोई भी नहीं भूल पाता. Absolutely. लेकिन जब भी आप बीट रूट खाते हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको कुछ लाइम ड्रेसिंग के साथ ही पेयर करना है ताकि वो आयरन बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है. ये तो बेसिक बात हो गई. लेकिन जब भी आप बीटरूट खाते हो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसे कुक करके खाए, अनकुक और रॉ बिल्कुल भी ना खाए क्योंकि उसे गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है क्योंकि वो अच्छे से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. बीटरूट में एक केमिकल सब्सटेंस है ऑक्सलेट्स, वो पाया जाता है जो हमारे किडनी में जाके स्टोन्स बन सकते हैं. अगर हमने कुछ बीटरूट के साथ पैर किया है जैसे कि पनीर को पैर किया है या फिर किसी और चीज़ को पैर किया है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा कैल्शियम प्रोडक्ट है, हाँ. तो क्या होता है कि कैल्शियम एंड ऑक्सलेट मिक्स हो जाते हैं और हमारे किडनी में जाके स्टोन्स बन जाते हैं और हमें पता नहीं चलता ये. अगर हम कंटिन्यू करते जाते हैं तो बहुत सारे स्टोन्स किडनी में
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो जाएगी. एंड विद दिस आई होप आप लोगों को आपके इस सवाल का, इस गुत्थी का जवाब मिल चुका है. लेकिन सबसे पहले आप लोगों को याद है ना, मैंने शुरुआत में सोनाक्षी के बारे में कहा था. हमारी व्यूअर सोनाक्षी का ये सवाल था कि हमें डाइट प्लान तो बहुत अच्छा मिलता है, सारी मील्स बहुत टेस्टी भी मिलती है और सेहत के लिए भी अच्छी है, बट इसके साथ कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वैसे अगर ड्रिंक्स हमें इसके साथ बताई जाए तो वाह क्या बात है. जैसे कि कभी भी आपको अपने मील के साथ कुछ ड्रिंक लेना है हाँ. तो प्रिफरेबली आप ले सकते हो जैसे कि लाइम जूस, डेफिनेटली वो आपके डिजेशन में हेल्प करेगा और वो आपके खाने को अच्छे से डिजेस्ट करने में बहुत ही हेल्प करेगा. और अगर आपके खाने में कुछ आयरन कंटेंट है तो उसके एब्जॉर्प्शन में भी वो हेल्प करेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है. सो लाइम जूस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप मेजर मिल ले तो फ्रूट जूस को उसके साथ बिल्कुल भी अवॉइड इट. तो ये था सवाल का जवाब सोनाक्षी जी के. नाउ द टाइम हैज कम एक और क्वेश्चन राउंड के लिए. वो क्वेश्चन राउंड हम लोग रिवील करेंगे उसका आंसर डे 37 के डाइट प्लान में. सो आर यू गाइस रेडी फॉर इट? तो ये रहा डे 36 का सवाल. बोन वीकनेस के तमाम शिकार है. कुछ मानते हैं कि सिर्फ दवाओं से मजबूत होती है बोन्स, तो कुछ कहते हैं कि बोन्स स्ट्रेंथन करने के लिए किचन में ही मौजूद है फूड इंग्रेडिएंट्स. क्या वाकई कोई ऐसा फूड है जिससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं? सिंपल सवाल सिंपल जवाब. लकी विनर को मिलेगा सरप्राइज डाइट किट. अपना जवाब भेजें इस पते पर 100daysdietplan@gmail.com. तब तक के लिए मैं स्नेहल राय चाहती हूँ आपसे इजाजत, क्योंकि आपसे दोबारा मिलना है मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे डाइट प्लान्स के साथ में. और आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूंगी कि हमेशा सेहतमंद रहिए, हमेशा फिट रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.